अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कीर्ति घी, मिल्क फूड, केशव स्मृति, 25 किलो दूध में से 1 किलो घी बनता है, तो कुल मिला के कम्प्लीट शहर बिक रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि पतंजलि हरिद्वार जहां पर घी बनता है वो 10 किलो दूध भी देश में से नहीं खरीदते। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पतंजलि का देसी घी शुद्ध नहीं है, वह दूसरी कंपनियों से खरीदा हुआ देसी घी मिलाकर बेच रही है। और हमने उस विज्ञापन को मान लिया, कभी पतंजलि के प्लांट के सामने जाकर के बैठ करके देखा क्या कि आप दूध लेकर के घी बनाते हैं या किस चीज से घी बनाते हैं? मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ कि पतंजलि हरिद्वार जहां पर घी बनता है वो 10 किलो दूध भी देश में से नहीं खरीदते। कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं, कहां से खरीदते हैं, अगर हम उसकी बारीकी डाटा में जाएंगे तो फिर वो बताएंगे कि हमने इस प्लांट से लिया, इस कोऑपरेटिव से लिया, इस प्लांट से लिया। मैं बता देता हूं, करण डेयरी से लिया, सहा केशव स्मृति से लिया, क्राउन से लिया और जम्मू कश्मीर के एक प्लांट से लिया और बहुत सारी जगहों से लिया। अब हम उन प्लांटों पर चलते हैं तो हम पाएंगे कि उन्होंने 5000 किलो दूध खरीदा है, उदाहरण के लिए, ज्यादा भी हो सकता है। 5000 किलो दूध यदि खरीदा है तो इन्होंने 50000 किलो तो घी बेच दिया उस 5000 किलो दूध में से, और वो घी कहां गया? वो बाद में वो घी पतंजलि के ब्रांड में पैक होकर के बिक गया। यानी वो घी जो पहले उनके पास था तो जहरीला था, बेकार था, लेकिन अब चूंकि वो पतंजलि के ब्रांड में आ गया तो फिर वो स्वदेशी और अमृत बन गया। तो हमें सिर्फ इतना काम करना चाहिए, किसानों को यदि खुद बचना है, जिंदा रहना इस देश में और इस देश के इन मिलावटखोर माफिया से लड़ना है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि नैनीताल के डीएम दीपक रावत ने बाबा रामदेव की कंपनी का काला चिट्ठा खोल दिया है, लेकिन हम आपको इस वीडियो से जुड़ी उन गलतियों को बताने जा रहे हैं जो किसी ने अब तक नोटिस नहीं की हैं। दरअसल वीडियो में दिख रहा शख्स दीपक रावत नहीं है और न ही वे इस समय नैनीताल के डीएम है। फिलहाल दीपक रावत हरिद्वार के डीएम हैं और ये बात सच है कि वे नैनीताल के भी डीएम रह चुके हैं। उनकी तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस शख्स द्वारा पतंजलि पर लगाए जा रहे आरोपों की न्यूज पुष्टि नहीं करता है, जबकि यह वीडियो कब और कहां का है इसकी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, ना ही इस शख्स के बारे में कुछ ज्यादा पता चल पाया है। लेकिन इतना तय है कि जिस नाम से ये वीडियो शेयर किया जा रहा है वह गलत है और आप भी ऐसे वीडियो शेयर करने से बचिए। न्यूज डेस्क।